Hello students, how are you all? I am Kavita Karola and today we are going to learn GK of class 13 and today's topic is indoor games. In this topic we will discuss about indoor games. Some indoor games are card games, board games and tabletop games. So we will read about these topic from the book. Dear students, open your GK book, page number 17. And the topic name is indoor games. Identify these indoor games by writing their names in the blanks. Choose your answers from the help box. यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उन पिक्चर्स के आपने नाम लिखने हैं विद द हेल्प ऑफ क्लू बॉक्स. यहाँ पर क्लू बॉक्स दिया गया है, उसमें कुछ गेम के नाम लिखे गए हैं और आपको पिक्चर के सामने सही नाम लिखना है. सो सी द फर्स्ट पिक्चर. फर्स्ट पिक्चर इज कैरम बोर्ड. ये जो बोर्ड है ये कैरम बोर्ड है, तो ये कौन सा गेम हुआ? कैरम. सी द नेक्स्ट पिक्चर. नेक्स्ट पिक्चर में आपको चेस के कुछ प्यादे दिख रहे हैं, तो आपको उसमें क्या लिखना है? चेस. ये चेस गेम है. नेक्स्ट पिक्चर, यहाँ पे आपको लिखना है लूडो, क्योंकि ये कौन सा गेम है? लूडो. नेक्स्ट पिक्चर, यहाँ पे दो प्लेयर हैं जो क्या खेल रहे हैं? कराटे खेल रहे हैं, तो ये कौन सा गेम हुआ? कराटे. एंड द लास्ट पिक्चर इज टेबल टेनिस. ये कौन सा गेम हुआ? टेबल टेनिस. कैन यू मेक एन इंडोर गेम ऑन योर ओन? रीड आउट द रूल्स ऑफ योर गेम इन द होम. यानी क्या आप कोई एक इंडोर गेम अपने घर में खेल सकते हैं या कोई इमेजिन कर सकते हैं? आप उसके बारे में सोचिए और उसको प्ले कीजिए. मैनी पॉपुलर इंडोर गेम्स सच एज चेस, लूडो एंड कैरम वर फर्स्ट प्ले इन इंडिया. ये गेम इंडिया में फर्स्ट टाइम खेले गए थे. नाउ एंड आई एम डिस्क्राइबिंग दैट हाउ टू डू दिस वर्क इन योर नोटबुक. ओपन योर नोटबुक, राइट इट इंडोर गेम्स. यानी यहां पर आप सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखेंगे एंड द टॉपिक इज इंडोर गेम्स. देन वन लाइन लीव एंड द राइट हेडिंग. हेडिंग इज राइट द नेम ऑफ सम इंडोर गेम्स. मीन्स यहां पर आपको कुछ इंडोर गेम्स के नाम लिखने हैं. सो आंसर इज फर्स्ट इज कैरम, सेकेंड इज चेस, थर्ड इज लूडो, फोर्थ इज कराटे एंड द फिफ्थ लास्ट इज टेबल टेनिस. सो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप अपनी नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में करेंगे एंड लर्न भी करेंगे. यहां पर आपको ओनली 5 इंडोर गेम्स लिखवाए गए हैं, बट आपको इनके अलावा भी कोई इंडोर गेम्स आते हैं तो वो भी आपको लर्न करने हैं. डियर स्टूडेंट्स, आपको ये काम कॉपी में अच्छे से करना है और साथ में उनको याद भी करना है. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.